दोस्तों, BTS के सभी मेंबर्स के कोई ना कोई सिब्लिंग्स या फिर बड़े भाई बहन जरूर हैं, लेकिन हमेशा वो उन्हें दुनिया से प्रोटेक्ट करके रखते हैं और अपनी लाइफ से उनकी लाइफ को हमेशा अलग रखते हैं। पर दोस्तों, BTS के सिब्लिंग्स के बारे में बात करने से पहले, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें इंस्टाग्राम यानी edu.tex पर फॉलो ज़रूर कर लें और हमें ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर मेरी नेक्स्ट वीडियो को चाहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं BTS के सिब्लिंग्स की। दोस्तों, जिन BTS के एक ऐसे मेंबर हैं जिनके बड़े भाई हैं। दोस्तों, उनके बड़े भाई का नाम किम सॉक जंग है। दोस्तों, हालांकि उनके बड़े भाई की एग्जैक्ट एज क्या है ये नहीं पता है, लेकिन माना जाता है कि उनकी और जिन की एज एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ वक्त पहले जिन ने ये भी रिवील करा था कि उनके बड़े भाई अब डैड बनने वाले हैं और उनके छोटे से होने वाले बेबी को जिन ने एक बहुत ही क्यूट निकनेम दिया था, जिसका नाम जिन ने बटर रखा था। और दोस्तों, इसी से पता चलता है कि उनका और उनके बड़े भाई का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। दोस्तों, शुगा भी BTS के एक ऐसे मेंबर हैं जिनके बड़े भाई हैं। दोस्तों, शुगा के बड़े भाई को प्यार से मिन जुंग की भी बोलते हैं और दोस्तों बताया जाता है कि वो शुगा से 4 साल बड़े हैं। हालांकि दोस्तों, कुछ वक्त पहले वो इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उन्होंने इंस्टाग्राम की आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया है। और दोस्तों, 2020 में उनके बड़े भाई ने शुगा के साथ एक काफ़ी प्यारी फोटो भी अपलोड करी थी, जिससे पता चलता है कि दोनों की ही रिलेशन काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। और यहाँ तक कि शुगा की शोल्डर सर्जरी के टाइम पर भी वो शुगा के साथ ही थे और उनका उन्होंने काफ़ी ख्याल भी रखा था। दोस्तों, हम बात करें हमारी आर्मी की सनशाइन यानी जे होप की, तो दोस्तों जे होप एक ऐसे मेंबर हैं BTS में जो अकेले ऐसे मेंबर हैं जिनकी एक बड़ी बहन है, क्योंकि दोस्तों जे होप के सिवा BTS में किसी की भी कोई भी बड़ी बहन नहीं है। और दोस्तों, आप सभी में से काफ़ी सारी आर्मीज जानते होंगे कि जे होप की बड़ी बहन काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और वो जे होप से 4 साल बड़ी हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ उनकी कुछ ही वक्त पहले शादी भी हुई है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि जेहोप की बहन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनके इंस्टाग्राम पे 9 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और दोस्तों, अगर आप उनकी आईडी जानना चाहते हैं तो उनकी आईडी का नाम है MayGWO103। दोस्तों, यही नहीं बल्कि जेहोप की बहन तो खुद में ही एक सेलिब्रिटी है, क्योंकि वो बहुत ही सारी कंपनीज को रन करती हैं और इसके साथ साथ वो बहुत ही सारी फैशन कंपनीज में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती रहती हैं। और दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे वो शेयर करती हैं, जिन्हें उन्होंने खुद बनाया है। दोस्तों, इसके साथ साथ वो एक यूट्यूबर भी हैं और उनके 30 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं बहुत सारी वीडियोज़ में। बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो 30 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ को पार कर चुकी हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ जेहोप की बहन एक आर्मी भी हैं और उन्होंने बताया था कि पहले उनके बायस जंगकुक थे, लेकिन अब उनके बायस जिमिन बन चुके हैं। दोस्तों, बात करें हमारे BTS के लीडर यानी RM की, तो दोस्तों RM की एक छोटी बहन है। दोस्तों, RM की बहन का नाम किम क्यूंग मिन है और दोस्तों वो RM से 3 साल छोटी हैं। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा RM की बहन के बारे में ज़्यादा कुछ तो रिवील नहीं है, लेकिन काफ़ी बार ये दिखाया गया है कि वो अपनी बहन को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं। और दोस्तों, उनकी बहन को वो हमेशा बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, बात करें हमारी क्यूट मोची यानी जिमिन की, तो उनके भी एक छोटे भाई हैं। दोस्तों, जिमिन के छोटे भाई का नाम है पार्क जी ह्यून। दोस्तों, वैसे तो जिमिन के छोटे भाई के बारे में ज़्यादा कुछ भी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी रिवील नहीं की गई है, लेकिन एक बार जिमिन ने अपना एक व्लॉग बनाया था जब वो बुसान में ट्रैवल कर रहे थे। और दोस्तों, जिमिन के इसी व्लॉग में उनके छोटे भाई को उनके साथ देखा गया था। दोस्तों, इसके साथ साथ जिमिन ने अपने छोटे भाई के साथ बहुत ही सारे इंसिडेंट्स आर्मी के साथ शेयर करे हैं, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि किस तरह दोनों की लड़ाइयाँ हो जाती थी और फिर दोनों एक हो जाते थे। दोस्तों, बात करते हैं किम तेयोंग की, तो दोस्तों सिर्फ वी पूरे BTS के मेंबर्स में एक ऐसे मेंबर हैं जिनके 2 सिब्लिंग्स हैं और दोस्तों दोनों ही छोटे हैं, यानी वी की एक छोटी सिस्टर है और एक छोटा ब्रदर है। दोस्तों, बाकी मेंबर्स की तरह भी वी ने अपने सिब्लिंग्स के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करी हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, BTS अपनी ज़िंदगी और अपने भाई बहनों की ज़िंदगी को हमेशा अलग रखते हैं। वो अपने इन्फ्लुएंस को उनकी ज़िंदगी पर पड़ने नहीं देते, क्योंकि उनका मानना है कि भले ही वो आइडल्स हैं, लेकिन उनके भाई बहनों की अपनी ज़िंदगी है
और उनके फेमस होने की वजह से उनके भाई बहनों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, काफ़ी बार वी ने अपनी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स में ये रिवील करा है कि वो अपने भाई बहनों को काफ़ी मिस करते हैं। दोस्तों, लास्ट में हम आते हैं गोल्डन माकने पर। दोस्तों, हमारे गोल्डन माकने भी एक ऐसे मेंबर हैं जिनके एक बड़े भाई हैं, और दोस्तों उनके बड़े भाई का नाम उनके नाम से ही काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि दोस्तों जंगकुक के बड़े भाई का नाम है जॉन जंग ह्यून। दोस्तों, हालांकि उनकी भी एज अननोन है, लेकिन माना जाता है कि वो भी जंगकुक से थोड़े ही बड़े हैं, और बाकी तो वो उन्हीं की तरह बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। हालांकि दोस्तों, फिलहाल तो जंगकुक के बड़े भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेटेड है, लेकिन इससे पहले उन्होंने लोगों के साथ बहुत ही सारी सुंदर और बेहतरीन फ़ोटोज़ जो उन्होंने खुद ही ड्रॉ करी थी, शेयर करी थी। दोस्तों, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ जहाँ पर उन्होंने जंगकुक की पेंटिंग बनाई थी, जिन की पेंटिंग बनाई थी, या फिर जे होप की ड्राइंग बनाई थी, उन्होंने लोगों के साथ शेयर करी थी। और जब उनके बड़े भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट 1 मिलियन फॉलोअर्स पर पहुँच गया था, तो उन्होंने जंगकुक की एक बहुत ही फ़नी फ़ोटो का पोर्ट्रेट बना के उसे शेयर किया था। यही नहीं, बल्कि उन्होंने काफ़ी सारे BTS के मेंबर्स के एनिमेशंस भी बनाए थे, और उन्होंने आर्मी के साथ उनको शेयर करा था, जिसे देखने के बाद आर्मी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमें सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम यानी edu.facts पर हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।